नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई कुवैत से रिलेटेड। जी हाँ, और कुवैत से रिलेटेड बात तो क्या करें भाई, मैं तो हर बार बोलता हूँ, लोग धमकी भी देने लग जाते हैं व्हाट्सएप पे, क्योंकि मैं तो नंबर साथ में शेयर कर देता हूँ ना, नंबर नहीं होते हैं तो वो उनके मन में तो पता नहीं क्या है कि चीर दे फाड़ दें, लेकिन वो कुछ उखाड़ नहीं पाते। और नंबर साथ में होते तो मन की भड़ास वो निकाल लेते हैं कि आपने ये बोल दिया वो बोल दिया। हम बात कर रहे हैं कुवैत से रिलेटेड। कुछ 177 यात्री पंजाब के थे जो कुवैत में फंसे हुए थे कोविड-19। आपको पता है भाई, सभी फंसे हुए हैं तो ये तो है नॉर्मल सी बात। अगर ये बात होती तो मैं वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि रोज़ फ्लाइटें आ रही हैं, किस किस का वीडियो इसका बनाने का कोई मतलब नहीं है, आप सब लोगों को पता ही है। लेकिन इनके साथ में एक ज़रूरी टॉपिक है और बाकायदा ये न्यूज़ आई थी, मैं बता दूँ, इससे रिलेटेड हम बात करना चाहते हैं, ये जानकारी आपको होना ज़रूरी है। पूरी डिटेल से बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करने के साथ चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें भाई। फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहां पे मिलती रहे। बता दूं 177 यात्री लगभग 15-20 दिन पहले पंजाब के बंदे थे जो अमृतसर लैंड करे थे फ्लाइट के द्वारा, ठीक है। और उनको उनकी हालात खुद ने बयां किए भाई, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। उनके हालात इतने ख़राब थे, कंपनी खाना ठीक है, खाने का पैसा मिल रहा था, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उनकी हालत ख़राब थी। रहने को प्रॉब्लम, खाने को प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम भरी हुई थी। सब लोग अलग अलग थे, ये तो नहीं 177 एक जगह ही थे, किसी को तो खाना भी नसीब नहीं हो रहा था, रहना भी नसीब नहीं हो रहा था। लोग 2-4-6 महीने पहले गए थे, इस चक्कर में आ गए तो सब कुछ चौपट हो गया, ठीक है। ये एक बंदे ने बताया कि हमारी कंपनी ने हमारी सिम भी ले ली, हमारा जो सिम कार्ड होता है वो सिम ले लिया, क्योंकि सिम कार्ड होने का मतलब होता है लोग वीडियो बनाते हैं, लोग शेयर कर देते हैं, इधर उधर लोगों को बता देते हैं, तो कंपनी नहीं चाहती कि हमारी बदनामी हो। इंडिया में तो कंपनी का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन वहाँ तो बिगड़ता है, प्रशासन तो देखता है। कुवैत का प्रशासन अच्छा है, प्रशासन की सरकार का हम कोई गलती नहीं मानते, हम ये मानते हैं कि वो हमसे ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन लोग गलत करें, वहाँ के लोकल कंपनी लोगों के साथ गलत करें, जो वहाँ के मालिक हैं कंपनी हैं उनका क्या किया जाए। वो तो सब जगह मिलेंगे, गंदे इंसान तो सब जगह ही होते हैं, कहीं देख लो भाई, इंडिया में भी मिलेंगे आपको, हर अपने गांव में भी मिल जाएंगे। कंपनी ने सिम तक खींच ली उनसे कि भाई कोई अपने बारे में कोई गलत प्रचार नहीं कर सके। एक एनजीओ चलता है, बता दूँ आपको, शहीद भगत सिंह के नाम से कुवैत में एनजीओ है, जो अच्छी बात है भाई, भारतीयों की हेल्प होती है उसमें। उन्होंने साफ बताया, दैनिक भास्कर को इंटरव्यू उन्होंने दिया था फ़ोन के माध्यम से, उन्होंने ये बताया कि भाई कुवैत में हाउसमेड में वीज़ा लगवा कर नहीं आना, खास तौर से महिलाओं के लिए उन्होंने खास तौर से बोला, क्योंकि यहाँ पे हाउसमेड के वीज़ा में लालच अच्छा दिया जाता है कि तेरे को 200 दिनार कुवैती मिल जाएंगे, 150 मिल जाएंगे, कितने भी हैं तेरे को ये काम करना होता है, ठीक है। वहाँ जाने के बाद पूरा सिस्टम चेंज मिलता है, खास तौर से हाउसमेड के वीज़ा की मैं बात कर रहा हूँ। ड्यूटी 8 घंटे बताई होती है, ड्यूटी उनसे 14-14 घंटे ली जाती है। जी हाँ, जितनी सैलरी बताई जाती है उतनी सैलरी नहीं मिलती, शारीरिक शोषण अलग से होता है, ये तो मैं बता दूं इंटरनेशनल रिपोर्ट बोलती है, एक वीडियो मैंने पहले भी डाला था, एविडेंस पड़े हैं, गूगल उठा के देख सकते हैं। औरतों का सबसे ज़्यादा शोषण कुवैत और सऊदी अरबिया में होता है, जो इंडियन में औरतें वहाँ पर जाती हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनको मतलब जो चीज़ें उनके साथ अग्रीमेंट होता है वो नहीं मिलती हैं। जी हाँ, तो उस एनजीओ ने साफ तौर से बोलता है भाई, हाउस मेड के वीज़ा में खास तौर से ना आए तो फ़ायदे में रहोगे, क्योंकि हाउसमेड एक लोकल आप घर में चले गए, ठीक है, वहाँ पे आपको जो आपका मालिक है अच्छे होते हैं, ऐसी बात नहीं, अच्छे भी लोग मिलते हैं, लेकिन कुछ बुरे मिल जाते हैं तो वो कुछ बुरे बहुत सारे अच्छों को ख़राब कर देते हैं, फिर समझ रहे। अभी इस 177 जो यात्री थी इसमें एक महिला को भी रेस्क्यू किया गया। जी हाँ, रेस्क्यू करने का मतलब समझते हो ना आप, कि कीचड़ में कोई जानवर फंस जाता है उसको हेलीकॉप्टर से निकालते हैं ना, सेम ये स्थिति उस औरत को निकाला गया वहाँ से, उसको ब्यूटी पार्लर के नाम से कुवैत में भेजा गया था, उसके साथ में इतना ज़्यादा शोषण हुआ कि वो सब बातें यहाँ पर नहीं बताई जा सकती, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है भाई, खास तौर से हाउसमेड में आपको वीज़ा अगर आप जा रहे हो तो बता दूं इसका सोल्यूशन भी साथ में, क्या बता जाना है तो आपको किस तरह से जाते हो। मान लीजिए मैं कुवैत में रहता हूं, किसी के घर में रह रहा हूं, ठीक है, और पड़ोस के बंदे को ज़रूरत है हाउसमेट 2-3-4 जो भी है, तो आप अगर कोई वीज़ा आपके पास आता है तो पहले से इंक्वायरी कर लीजिए, उसके उस पड़ोस में उसके घर में कोई पहले से हाउसमेट रह रहा है। अगर आप इनडायरेक्टली जाते हो तो दिक्कत है, डायरेक्टली का मतलब किसी के थ्रू जा रहे हो जो पहले से वहाँ पे जॉब कर रहा है, अगर वो बोल देता कि आप आ जाओ तो आप भले ही भाई हिम्मत कर लो, बाकी आप अदर पर्सन से मतलब ऐसे ही जा रहे हो आँख बंद करके तो दिक्कत हो सकती है। और बता दूँ भाई, लोग मरते हैं इस वीज़ा के लिए, लोग फ्री में वीज़ा देते हैं, पैसा एडवांस और देते हैं कि भाई ये मुझे, मैं तुझे वीज़ा देता हूँ और ये 50,000 सामने ले, ठीक है, और टिकट भी मैं देता हूँ, तू बंदे को भेज दे, ऐसा होता है।
बहुत सारे ऑफर आते हैं मेरे पास, खुद के पास लोग बोलते हैं सर हम आपको पैसा देंगे आप बंदों को भेज दो। आप सोचिए पैसा देंगे और बंदों को भेज दो यानी सब कुछ फ्री है ना, लेकिन फिर भी लोग नहीं जाना चाहते। सबसे ज़्यादा शोषण होता है भाई। हाँ दुबई जाओ कोई दिक्कत नहीं है, कतर जाओ, मस्कत जाओ, ऐसी जगह चल जाता है, लेकिन कुवैत और सऊदीया के लिए भाई लेडीज़ के लिए खास तौर से प्रॉब्लम वाली जगह है। तो आप हर बार ये बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं ये वीडियो, तो बस थोड़ा ध्यान रखें। ये आप लोगों के साथ जानकारी शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।